हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे कौन नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 3:30 और अभी मैं उठ चुका हूँ। किस वजह से उठा हूँ आपको तो मालूम ही होगा भाई, रमजान का टाइम चल रहा है तो काफी टाइम से हम वीडियो नहीं बना पा रहा था। जब से गाँव से आया हूँ यार, लखनऊ में मेरी तबियत थोड़ा सा खराब हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। भाई आज से कंटिन्यू मेरी वीडियो आएगी। तो आप लोग अभी तक व्लॉग में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिए व्लॉग में। सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे करते हुए। पहले चलिए चाय वाय पीते हैं, मुंह रोटी ये रखी है, पानी भी रखा है, प्लेट हमारी लग चुकी है, फिलहाल अभी निकालना बाकी है। जब तक देख लीजिए आप, जफर भाई हमारे ये बैठे हुए हैं और अब्बा अम्मी उधर चाय पी रहे हैं। क्या बोलते हो जफर भाई? बस भाई रमजान है और थोड़ा तबीयत वगैरह भी खराब है। आप लोग दुआ करिए ठीक हो जाए जल्दी। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो भाई, जफर भाई ने बता दिया है। चलिए फौरन चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं अच्छे से यार, क्योंकि रोजा का टाइम है, आप समझ ही रहे हैं। फिलहाल रखते हैं रोजा, कोशिश करते हैं रोजा हम लोग पूरा रहे। और अभी अरीबा उठी हैं, अरीबा सामान वामान ला रही हैं, नाश्ता पानी और करवा रही हैं, बेहतरीन बंद वगैरह सेक रही हैं। तो अभी हम लोग नाश्ता वाश्ता करने बैठे हुए हैं, सारे लोग हमारे घर के फैमिली के जग चुके हैं। तो चलिए चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई फाइनली आपके भाई ने सेरी कर लिया है अच्छे से, हमने डट के सेरी कर लिया है। बाकी हमारे जफर भाई अभी भी कर रहे हैं, रोटी पर रोटी तोड़े जा रहे हैं। इधर आ चुकी हैं अरीबा, तो अरीबा भी सेरी वगैरह कर रही है भाई। फिलहाल अब लास्ट स्टेज हम लोगों का यही है कि दूध पीते हैं हम लोग भाई, सेरी करने के बाद अच्छे से फौरन दूध दूध पी लेते हैं। उसके बाद फिर अभी तिलावत भी करना है, पारा पढ़ना है और अपना नमाज भी पढ़ना है भाई। बात तो सही है यही सब है। फिलहाल चलिए जल्दी से पीते हैं, उसके बाद जैसा भी कुछ होता है मैं आपको बताते हैं। हाँ तो भाई नाश्ता पानी आपके भाई ने कर लिया है, यानी सहरी हमने कर लिया है। क्या बोलना चाहेंगे जफर भाई? बस भाई सहरी करके बहुत ही अच्छा लगता है, रमजान का महीना है, बरकत वाला मजा आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चलिए भाई फौरन नमाज पढ़ते हैं, नमाज का टाइम हो चुका है, अजान हो चुकी है। तो चलिए फौरन नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जैसा भी कुछ होता है आपको बताते हैं। 5 hours later। हेलो जी, तो भाई फाइनली अभी आपका भाई सोकर उठ चुका है और अभी मैं चल रहा हूँ मस्जिद। अजान हो चुकी है, नमाज पढ़ने के लिए हम लोग चल रहे हैं, जफर भाई भी चल रहे हैं। हमारे घर से मस्जिद की दूरी कम से कम 200 मीटर है, तो हम लोग चल रहे हैं भाई। क्या बोलते हो जफर भाई? बस भाई नमाज पढ़ते हैं, चलिए वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो चलिए भाई, किस बात की देरी, फौरन चल रहे हैं हम लोग, पैदल ही पैदल चल रहे हैं, रास्ते में है। अभी काफी ज्यादा लेट हो गया यार उठने में हम लोगों को, कि यार रात भर हम लोग जगे थे, पारा पढ़े, नमाज पढ़े, तिलावत कर रहे थे, इस वजह से यार थोड़ा लेट हो गया उठने में। और अभी हम लोग चल रहे हैं, आप देख सकते हैं धूप वगैरह निकली हुई है और इधर जाम भी लगा हुआ है, ये देखिए आप, खतरनाक वाला। चलो बाकी चलते हैं मस्जिद के पास, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जैसा भी कुछ होता है आपको बताते हैं। हाँ जी भाई, फाइनली आ चुकी है मस्जिद, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भाई लोग, नमाजी लोग जा रहे हैं। तो चलिए भाई फौरन चलते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद अच्छे से आपसे मिलते हैं। One eternity later. तो भाई फाइनली हम लोगों ने नमाज पढ़ लिया है, जफर भाई ने भी पढ़ लिया है, मस्जिद से हम लोग निकल आए हैं। फिलहाल चल रहे हैं धीरे धीरे करते हुए घर, थोड़ा काम है घर पे, देखते हैं जैसा भी कुछ होता है आपको बताते हैं। ओए होए 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 होए, तो गाइस आप देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं सही देख रहे हैं। फिलहाल मैं रास्ते में हूँ तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ भाई कितनी यहाँ पे गंदगी है, सफाई है, आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। और हमारे जफर भाई भी ये चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। जफर भाई क्या बोलना चाहोगे? अरे यहाँ तो जल्दी चलो यार भाई, धुआं आ रहा मुँह में हमारे। तो चलो फिर जफर भाई मुस्कुराते मुस्कुराते बोल दिए हैं यहाँ से जल्दी चलो। चलो फिर भाई चलते हैं घर, रास्ते में दिखाई पड़ गया हमें तो क्या कर सकते हैं, दिखाई कितना दिखाई, दिखाना जरूरी है गाइस, जानना चाहिए सबको भाई। चलो भाई सबको जानना चाहिए, अब चलते हैं फौरन घर। हाँ जी भाई, फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, जफर भाई भी चल रहे हैं अंदर और हम भी चल रहे हैं। फिलहाल गेट बंद कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा पारा वगैरह पढ़ लेते हैं भाई, हमारा 8वां पारा चल रहा है। बड़ी खुशी की बात है, हमने कहा आपको बता देते हैं, 8वां पारा आपका भाई पढ़ रहा है। मैंने पारा पढ़ना नहीं छोड़ा है, रोजा भी रखना नहीं छोड़ा है, चाहे जितना मैं बीमार हुआ हूँ, चाहे जो भी हुआ हूँ, अब ये सोच रहा हूँ कि पूरा रोजा और पूरी एक कुरान शरीफ मुकम्मल करना है। बाकी चलिए अंदर चलते हैं, पारा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के आ ही गए हैं। 2000 years later। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने बाइक के पास और अभी हम चलने वाले हैं थोड़ा सामान लेने के लिए, साग सब्जी वगैरह लेने के लिए। गाइस अभी मैं नमाज पढ़ के फिर आया हूँ असर की, और यही हमारे साथ सीन हो रहा है, नमाज पढ़ रहा हूँ, पारा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर से घर जा रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिलहाल चलिए पहले गाड़ी निकालते हैं, उसके बाद हम आगे की डिटेल आपको बताते हैं। व्लॉग कैसे बनाऊँ कैसे ना बनाऊँ यार, बाहर निकलना भी प्रॉब्लम है, धूप बहुत ज्यादा तेज है और घर वाले भी नहीं चाहते कि बाहर कहीं निकलो। कुछ पूछा मैंने कुछ, अभी थोड़ा सामान लेना है, सामान लेते हैं उसके बाद आपको भी दिखाते हैं। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला?
हाँ जी गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। देख सकते हैं आप, आपका भाई यहाँ से शूटिंग और यहाँ से बाइक चला रहा है और काफी अच्छा लग रहा है भाई। बेहतरीन मौसम लग रहा है, ठंडा ठंडा थोड़ा। यार आप देख सकते हैं धूप भी निकली हुई है और अभी जाके धूप थोड़ा से कमजोर हुई है, यानी कम लग रही है। थोड़ा से चलते हैं, सामान वामान लेते हैं। जो सामान लेते हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। मार्केट चलते हैं, मार्केट पहुंच के आपसे मिलते हैं। 20 minutes later फाइनली आपका भाई आ चुका है घर, सारा सामान वगैरह लेकर बाजार से मैं आ चुका हूं घर। और अभी आपको दिखाता हूं क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बन चुका है, क्या क्या कट चुका है, सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं भाई। तो भाई आप देख सकते हैं प्याज वगैरह मैंने ले लिया है 2 किलो, नींबू भी ले लिया था, प्याज यहाँ पे कट भी गई है। और ये देखिए आप, मेरा फेवरेट है भाई ये, कहना क्या चाहते हो। और आप इधर देख सकते हैं भाई, बेहतरीन आटा साना जा रहा है इधर भाई साहब। अम्मी क्या है, आलू पकौड़ा। तो आप देख सकते हैं आलू और पकौड़ा दोनों चीज है। अच्छा, हमको सिखा रही है। फाइनली गाइस, दस्तरखान पे आपका भाई बैठ चुका है। अफ्तारी का टाइम होने ही वाला है, 2 मिनट बाकी है। बाकी दस्तरखान पे आपने देख लिया होगा, सारी चीज लगी हुई है भाई। एक बार और दिखा दीजिए कैमरामैन जफर भाई हमारे, दिखाइए कायदे से। तो भाई ये चीज अभी नया आया है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको दिखा दिया है। और ये पापड़ भी नया आया है, मजेदार। अभी यार बहुत ज्यादा भूख लगी है, दुआ हुआ मांगते हैं अच्छे से। अभी दुआ कबूल भी होती है सारे लोगों की। तो अभी अब्बा भी बैठे हैं बगल में और जफर भाई भी हमारे कैमरामैन यूज कर रहे हैं। जफर भाई अपने आप को भी दिखा दो, कुछ बता दो यार। गाइस आप लोग दुआ मांगिए हमारे लिए और हम आपके लिए मांगेंगे। ये तो कुछ मैच ना हुआ भाई, किस बात की देरी। फौरन मोबाइल रखते हैं, दुआ मांगते हैं, अफ्तारी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छे से आपसे मिलते हैं। 5 minutes later अल्लाहुम्मा लकसन तो बिकमन तो तुआले का तो अक्कल तो आला रिश्क का तो अफ्तर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार गाइस, हम रोजा खोल रहे हैं, आप भी खोल रहे होंगे हालांकि हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल चलिए, जफर भाई भी बहुत तेजी के साथ खा रहे हैं यार, बचेगा नहीं दस्तरखान पे खाना यार, जल्दी चलो खा लेते हैं। पकौड़े वकौड़े आ गए हैं, ये देख सकते हैं भाई। पहले सबसे पहले ये खाएंगे यार, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई, ये देखिए आप। चलो भाई ट्राई करते हैं हम, बहुत बढ़िया है यार। अब दूसरी चीज क्या ट्राई करना पता है, पकौड़ा। फाइनली हम लोग ने अफ्तारी वगैरह करके लेट के आराम करने लगे थे और अभी हो चुका है ईशा का टाइम। हम लोग चल रहे हैं नमाज पढ़ने, तरावी पढ़ने। फिलहाल चलिए चलते हैं फौरन, तरावी का लेट भी हो रहा है भाई। अभी मस्जिद हमारे घर से समझ ही रहे हैं जहाँ पे हम जाते हैं 200 मीटर दूर है। तो जफर भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? बस भाई नमाज तरावी वगैरह पढ़ेंगे के बाद आपसे मिलेंगे भाई। तो चलिए भाई, किस बात की देरी, फौरन ही चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद जैसा भी कुछ होता है हम आपको बताते हैं। जहाँ कहीं भी जाएंगे सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जी भाई, हम लोग आ चुके हैं मस्जिद, तरावी स्टार्ट है। तो चलिए भाई फौरन तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के आपका भाई आ चुका है घर और दस्तरखान बिछ चुका है, खाना भी निकल चुका है। आप देख सकते हैं भाई कीमा बना है और सालनदार कीमा बना है, देख ही रहे हैं आप। तो चलिए भाई, बहुत ही तेज भूख लगी है, खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर जैसा भी कुछ प्लान होता है मैं आपको बताता हूँ। बाकी जफर भाई भी हमारे साथ में है, जफर भाई वीडियो शूट कर रहे हैं। जफर भाई कुछ आप भी बता दीजिए। बस भाई खाना वगैरह खा ले, उसके बाद हो सकता है हम लोग जाएंगे घंटाघर, वहाँ का आपको माहौल दिखाएंगे। मस्त प्लान है। हाँ जी गाइस, फाइनली हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और अब हम लोग चल रहे हैं अपने फ्रेंड के पास, शाकिब भाई के पास। शाकिब भाई आए हुए हैं घंटाघर, तो शाकिब भाई बुला रहे हैं। जफर भाई क्या बोलते हो? बस भाई 11 बज रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं घंटाघर के पास, चलिए वहाँ का नजारा आपको दिखाते हैं। तो भाई अभी हम एक हाथ से शूटिंग कर रहे हैं, हाथ से बाइक चला रहे हैं और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे सन्नाटा हो गया है। और अभी हम चलते हैं घंटाघर, घंटाघर पे आपको व्यू वहाँ का दिखाएंगे, कैसा माहौल है वहाँ पे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घंटाघर के पास और घंटाघर पे काफी ज्यादा भीड़ हो रही है और हमारे शाकिब भाई मिल चुके हैं। तो चलिए शाकिब भाई से मुलाकात करवाते हैं। ये है हमारे शाकिब भाई। और शाकिब भाई क्या हाल है? बढ़िया। शाकिब भाई हमारे बेचारे नींद से उठ कर आ रहे हैं, तो नींद में क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या साबित करना चाहता है तू? नींद से उठ चुके, अब क्या बोलना, तो जा चुके हैं। चलो भाई नींद से उठ चुके हैं और अभी हम फिलहाल चल रहे हैं चाय पीने के लिए। और आप देख सकते हैं भाई काफी ज्यादा भीड़ है, कसम से बता रहे हैं भाई, पूरे घंटा घर पे सिस्टम हैंग है। 12 बज रहे हैं रात के, सही बता रहे हैं भाई। आप देख सकते हैं भाई, अभी हम आपको और सारा नजारा दिखाते हैं। फिलहाल चलिए चाय की दुकान आ चुकी है, चाय वाय पीते हैं यहाँ से। हाँ तो भाई साहब, हम लोगों ने 3 कटिंग ले ली है और शाकिब भाई की आंख खुल जाएगी आराम से हम उम्मीद करते हैं। क्या बोलते हैं शाकिब भाई? या या या, अरे पूरी चिर जाएगी। चीर जाएगी, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक मूड में आए हुए हैं शाकिब भाई। जफर भाई, शाकिब भाई को देख के क्या बोलना चाहते हैं आप? भाई आज मूड में है ये, बस और क्या बताएं, मूड में है। क्या बात है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। 5 minutes later फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने अपने बाइक के पास और हमारे शाकिब भाई अब हमारे बीच से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं शाकिब भाई आप?
घर जा रहे हैं भाई, अभी मैं चला जाऊंगा घर जा रहे हैं। शाकिब भाई के मुंह से आपने सुन लिया होगा। फिलहाल जफर भाई आप क्या बोलते हैं? बस भाई हम भी लोग चलते हैं अब घर, शाकिब भाई तो जा ही रहे, हम लोग को भी जाना पड़ेगा घर। चलिए भाई किस बात की देरी, फौरन चलते हैं घर। घर पे लेटते हैं यार, सेरी वेरी करने का भी टाइम आ रहा है धीरे धीरे, तो चलो जैसा होता बताते हैं। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं घंटाघर से और अब हम लोग चल रहे हैं सीधे अपने घर। घर वालों का भी फोन आ रहा है, रात के बज रहे हैं 1:30 और आप देख सकते हैं भाई एकदम अंधेरा हो चुका है, यानी ज्यादा कोई दिख नहीं रहा है रोडों पे। आप देख सकते हैं एकदम सन्नाटी रोड हो चुकी है भाई। तो चलो आराम आराम करते हुए चलते हैं घर की तरफ। घर पे चलते हैं देखते हैं क्या कैसा सीन है।